नमस्कार दोस्तों, फार्मर बंदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जॉन डियर के 50x4WD का रिव्यू करेंगे। जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत जल्द किसानों के जो है दिल में अपनी जगह बना ली है, तो जल्दी से आज इसके रिव्यू करेंगे। इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताई जाएगी। सबसे पहले इसके टायरों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फ्रंट टायर दिए गए हैं वो 8/18 और जो पिछले टायर हैं वो 14/9/28 के दिए गए हैं। और इसमें जो गियर दिए गए हैं वो 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर दिए गए हैं। साइड गियर में दिया गया है पावर स्टेरिंग, सिंगल साइलेंडर। और इसकी जो लुक दी गई है फ्रंट से, वो जाली लगाई गई है फ्रंट में, जो हेडलैम्प के बीच बीच में जो है इसका जॉन डियर कंपनी का सिंबल दिया गया है। और अंदर ही इसमें बैटरी दी गई है ताकि बैटरी को भी हवा लगे और इंजन के पास भी हवा पहुंचती रहे ताकि उसको गर्मी जो है उसकी वो कम हो। अब इसमें मीटर दिया गया है, इसका जो है डिजिटल मीटर दिया गया है। 2100 रेटेड RPM के साथ अपनी पूरी ताकत लगाता है ये। इस यहीं पे इसकी जो रेस दी गई है, ये यहाँ पे ही चढ़ने के लिए एक हुक दी गई है ताकि इसको पकड़ के आप चढ़ सको। साथ में ही फ्रंट एक स्टेप दिया गया है, इसको आप यहाँ पे चढ़ सकोगे लेके। इसमें ये देखिए, ये PTO का है, 540 इकोनॉमिक और 540 खाली है। ये PTO इंडिपेंडेंट है, जैसे रिवर्स और फ्रंट दोनों। ये है जी इसका, जब आपने 2 व्हील में 4 व्हील में इसको चलाना है तो आप इसका यूज़ करोगे तो 2 व्हील में और 4 व्हील में इसको चल जाएगा। HP की कैटेगरी में ट्रैक्टर आता है। पंप जो है इसका वो बोस कंपनी का है, इंजन इसका जॉन डियर कंपनी ने ही बनाया है। ये देखिए, फ्रंट एक्सल जो इसका ये सील्ड दिया गया है। 2100 किलोग्राम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। कूलेंट है ये, डुअल क्लच, सिंगल और डुअल दोनों में है। साथ में इसके चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, चार्जिंग आप आराम से कर सकते हो, कहीं भी हो फोन चार्ज करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे अपना फोन रख दो। ये जो है ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर दिया गया है यहाँ पे। पीछे इसके जो है टंकी दी गई है तेल के लिए, 60 लीटर तेल इसमें एक बारी में आप डलवा सकते हो। ये पीछे के लिए लाइट, साथ में यहीं पे इसके स्विच दिया गया ऑन ऑफ का। ये अब इसकी जो फॉरवर्ड स्पीड की बात करें तो वो है 2.97 से लेके 32.44 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से ये आगे तेज भाग सकता है। और पीछे 3.89 से लेके 14.10 किलोमीटर पीछे भाग सकता है ये। इसका जो टोटल वजन है वो 1975 किलो दिया है कंपनी ने। इसका जब इसके एक टायर स्लिप करे और तो अगर आप दूसरा दोनों को बराबर जोर लगवाना चाहें तो ये है, इसको आप नीचे दबाओ कर सकते हैं। ये इसका लिफ्ट का पंप दिया गया है, ये ऑयल का है। साथ में ऊपर जो है ये आप सेल्फ देख रहे हो,
लगभग लगभग इसको 60-70 घंटे हो गया चले। सरपंच साहब लाए हैं इसको। तो जी सर जी, कैसा रहा? और इससे पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था जी, और कौन कौन सी आपने चला लिए हैं जो आपके पास हैं? मेरे पास एक तो अर्जुन 605 है जी। हाँ जी, और वो अभी चल रहा है, लेजर लेवलर पे है, खड़ा है इधर ही खड़ा है ये भी, ये देखिए, दिखा देते हैं नज़दीक से, देखिए 2008 मॉडल है जी। ये हम अपने खेत के इस्तेमाल के लिए ले रहे थे। अच्छा जी, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, कम डीजल खपत में बहुत अच्छा काम है इसका। तो जी टीलर है रो, जैसे आप अर्जुन चलाया आपने, उसके बाद ये चलाया, तो कोई डिफरेंस? बस डिफरेंस तो इसमें जो है देखो, फोर व्हील ड्राइव का तो डिफरेंस है, नहीं तो पावर मुझे सेम लगी उसकी, 60 HP इसकी 50 HP बराबर है। तो अच्छा जी, थोड़ा जो एक्स्ट्रा इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो फोर व्हील ड्राइव का ही है जो उसमें है। उधर NC 242 भी खड़ा है इनके पास, ये कब का है जी? ये 2000 मॉडल है जी। तो अभी चल रहा है बढ़िया कंडीशन में, सारा कंडा ढोया इसने, लगभग लगभग ये 300 बीघे की खेती करते हैं जी, और अभी इसका पंडा भी छुटा जी, और अप्रोक्सली 200 से 250 बीघे तो गन्ना ही उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है, और इसी ट्रैक्टर से चल रहा है सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और सब्सक्राइब जरूर कर दियो।